नमस्कार एचबीएन न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ गौरव तिवारी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। आज सुबह इस बंदी को सफल बनाने के लिए डुमरियागंज लोकसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम रिक्शे पर बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ निकले। बढ़ती महंगाई का समर्थन करते हुए कस्बे में खुली दुकानों को व्यापारियों से बंद करने का अनुरोध किया और इसी क्रम में सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान अपने समर्थकों के साथ भारत बंद का समर्थन करते हुए तहसील प्रांगण में एकत्रित हुए और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिखी। बहुत बड़ा असर है सारे लोग आज ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये रोज डीजल और पेट्रोल के दाम रोज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ा रही है। रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पे जा रही है, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, राफेल डील में बड़े पैमाने पर सौदेबाजी हुई है। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया है और उसी क्रम में हम कांग्रेस जन सिद्धार्थनगर में भारत बंद का आह्वान करके अब 9 बजे से लेके 3 बजे तक सारे व्यापारियों से हम लोगों ने अनुरोध किया है। कांग्रेस के जनों ने और सारे लोग व्यापारी लोगों ने कांग्रेस जनों का सहयोग दिया है, भारत बंद का सहयोग किया है, हम उनके आभार। दुकानें बंद है, इक्का दुक्का कोई खोल रहा होगा सामाजिक तत्व तो अलग बात है, नहीं तो पूरे तौर पर दुकानें बंद। सर हमारी समाजवादी पार्टी हमारे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश हमारे जिले में तहसील स्तर पे इसका विरोध किया जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन में देख रहे हैं हर जवान हर दुकान परेशान है, त्रस्त है। जिस तरह हमारे सरकार में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पेंशन और कन्या विद्याधन लैपटॉप ऐसे तमाम योजना था जो गरीबों किसानों मजदूरों के लिए जाता था, ये सारा इन्होंने बंद कर दिया है और विकास का काम तो इनको करना नहीं है, खाली प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन हम लोग का सफल रहा और आगे भी हम आंदोलन करते रहेंगे, अगर एक इशारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हुआ तो पूरा जिला जाम करेंगे। अगर तमाम सड़कों का भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया डीएम साहब को, अगर 15 तारीख तक काम नहीं शुरू किए और सुधार नहीं हुआ। वहीं इलाहाबाद में भी भारत बंद के दौरान शांति सुरक्षा के मद्देनजर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज जी अपने सर्किल अधीनस्थ अधिकारी थाना अध्यक्ष एवं अपराध निरोधक समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। मऊ जनपद के गोपागंज स्थित बापू इंटर कॉलेज में कर्मचारी SC/ST एक्ट के शिकार हुए हैं। शिक्षकों का आरोप है कि दलित छात्रों द्वारा छात्राओं के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, जिसके विरोध में शिक्षकों ने 12 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के करनाईपुर में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के सबसे कम उम्र के जिला पंचायत सदस्य विकास निगम ने किया और क्षेत्र में अशिक्षित लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे दुनिया में कोई भी चीज हासिल की जा सकती है। वहीं इस मौके पर करनाईपुरी के ग्राम प्रधानपति सत्यनारायण यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिलीप केसरवानी, जगन्नाथ तिवारी, लालमणि सरोज, मानिक चंद यादव, राजेंद्र सरोज, रोहित सरगम सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहें HBN न्यूज के साथ। धन्यवाद।